हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का मेंटोर, आप सभी का वेलकम करता हूं। सीयूटी पीजी एलएलबी एग्ज़ाम के लिए हमारे पास बहुत कम समय रह गए हैं और आप सभी इस बात को लेकर बिल्कुल चिंतित हैं और ये सोच में पड़े हुए हैं कि कैसे हम क्या स्ट्रैटजी अपनाएं और क्या ऐसा करें जिससे कि हमारा स्कोर जो है वो मैक्सिमाइज़ हो सके, क्योंकि जब तक अच्छा स्कोर लेकर नहीं आओगे आपका एडमिशन जो है वो DU और BHU जैसे संस्थान के अंदर में होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। तो इस समय आपको ये स्ट्रैटजी अपनाना चाहिए ताकि आप सभी कम समय में, जो समय हमारे पास रह गया है, उस कम समय में एक अच्छा स्कोर हम कैसे गेन कर सकते हैं, आउट ऑफ 300 हम कितना स्कोर कर सकते हैं, इसके बारे में हम एक स्ट्रैटजी यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अपने मार्क्स को हम मैक्सिमाइज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, तो सीयूटी पीजी एलएलबी के लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके इस पेपर में पूछे जाएंगे वो 75 रहने वाला है। टोटल मार्क्स जो होंगे वो 300 होने वाला है और टाइम ड्यूरेशन जो आपको मिलने वाला है इस एग्जाम को देने के लिए वो 1 घंटा 45 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, जिसमें कि 75 क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब यहाँ पर पूरा ओवरऑल मार्क्स जो है वो 300 रखा गया है और जहाँ पर एक सवाल के ऊपर 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं और अगर आप गलती करते हैं तो -1 का नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। अगर हम बात करें इस एग्जाम के अंदर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आएंगे और कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं जो कि इस पोर्शन से पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप सभी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या फिर हिंदी ग्रामर, जो हिंदी पाठ बोधन है, आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक अगर चूज करते हैं तो लगभग 14-15 सवाल जो है आपको इस सेक्शन से देखने के लिए मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करें जीके, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स का जो सेक्शन रहने वाला है, वहां पर कुल मिलाकर जो सवाल आएंगे वो 13-14 सवाल आपके उस सेक्शन से भी रहने वाले हैं। सब मिलाकर, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो चाहे वो करंट अफेयर्स हो, सब मिलाकर लगभग 13-14 सवाल आपके बनेंगे। कंप्यूटर बेसिक्स से भी लगभग उसी के अराउंड 13 से 14 सवाल जो हैं वो कंप्यूटर से भी मिलेंगे। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर रहने वाला है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन जो होगा वो 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं वो लगभग आपका जनरल एप्टीट्यूड से रहने वाला है और लॉजिकल रीजनिंग से 15 से 16 सवाल जो हैं वो आपके पूछे जाएंगे। तो अगर ध्यान से देखो तो जो मैक्सिमाइज करेगा आपका स्कोर वह है लॉजिकल रीजनिंग, और जो आपका इंग्लिश या फिर हिंदी जो भी आप चूज करोगे वो करेगा, और साथ में कंप्यूटर करने वाला है। ठीक है, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो कि सभी विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर वेटेज जो है वो किस प्रकार से दिया गया है और हर एक सब्जेक्ट के अंदर में अब आने वाले 4 महीने में जो समय हमारे पास बचा हुआ है, इस 4 महीने में हम क्या करें ऐसा कि हमारा स्कोर मैक्सिमाइज हो, इसी बात को लेकर आप सोच रहे हैं। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि इस किस सब्जेक्ट के अंदर में आप कम स्कोर कर पाते हैं, किस सब्जेक्ट के अंदर में कौन सा वो टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस ना वो प्रैक्टिस करने में सॉल्व हो रहे हैं ना ही वो मॉक्स के अंदर सॉल्व हो पा रहे हैं। तो आप उस टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करिए और उसके ऊपर काम करो, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करो, क्वेश्चंस को और ज़्यादा सॉल्व करो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करिए ताकि प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो जाकर आपको क्या करना है, अगर आपका रीजनिंग बहुत अच्छा हो चुका है तो सिर्फ रिविजन की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। अगर जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन के अंदर में प्रॉब्लम है, कहीं पर कोई चैप्टर है जो आपसे नहीं हो रहा है ना, प्रॉफिट लॉस है, SICI है, एवरेज है, परसेंटेज है, कोई भी चैप्टर ऐसा है जिसमें थोड़ी सी दिक्कत अगर आप महसूस कर रहे हैं तो वहां पर जाकर थोड़ा फोकस करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करिए उस टॉपिक के ऊपर ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ठीक है, या फिर जो करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है, करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं और करंट अफेयर्स के अंदर में अगर आप रिविजन नहीं करोगे तो यकीन मानिए आप सवाल को सॉल्व एग्जामिनेशन में नहीं कर पाएंगे और ना ही आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर कई बार सवाल ऐसे होंगे जहां पर आपको आपके पास पूरी जानकारी उस क्वेश्चन के बारे में नहीं होगी। अगर ऐसा होता है, विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है और आपको पता है, सबको पता है, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट करिए आप कि सर हमें पता होता है लेकिन हम ऑप्शंस को चूज़ नहीं कर पाते हैं, ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस वक्त, चाहे वो क्वांट में हो, चाहे वो रीजनिंग में हो, चाहे वो करंट अफेयर्स में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो कंप्यूटर में हो, किसी भी सेक्शन के अंदर में अगर जो भी डाउट, जो भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में या कॉन्सेप्ट को समझने में, इस कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप सभी लोग मेंशन कर दीजिएगा। तो ये सेक्शन के ऊपर हम एग्ज़ाम देने वाले हैं और ये हमारा टारगेट है कि इतने इतने सवाल अगर आएंगे तो मेरा टारगेट ये है कि लगभग अगर मान लीजिए 14 सवाल पूछे गए तो मेरा टारगेट ये रहना चाहिए कि भाई कम से कम 12-13 सवाल तो मेरा सही हो जाए, है ना, यानी कि 95% से ऊपर क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर कर आएँ और सही सही सॉल्व कर कर आएँ, ये बहुत ज़रूरी है। साथ में प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। लास्ट कुछ सालों के 2-3 सालों के पेपर अगर आपके पास हैं तो जाकर आप सभी लोग उसको सॉल्व कर लीजिए। आपको मालूम चलेगा कि क्वेश्चन जो हैं वो किस पैटर्न के बेसिस पर पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है लास्ट ईयर पेपर्स के अंदर में, ये सब जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। रिवीजन और प्रैक्टिस, अगर आपके पास प्रैक्टिस पेपर है या फिर कोई क्वेश्चन बैंक की PDF है, आप वहाँ से जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करिए। एक टाइमर लगाइए और टाइमर लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट भी बनेगा, जिससे कि कम समय में, जैसे कि परीक्षा के अंदर में 1 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा और इस 1 घंटे 45 मिनट में आपको सारे पेपर सॉल्व करने हैं, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का ख्याल करना पड़ेगा कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द गिवन टाइम हम कर पाएँ। ठीक है, लास्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर तो मॉक टेस्ट की बात करेंगे। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि लास्ट फेज के अंदर में एक ही सॉल्यूशन है, वो मॉक टेस्ट है। आप जितना मॉक्स देंगे उसको एनालाइज करेंगे कि कौन सा वीक एरियाज है, कौन सा स्ट्रांग एरियाज आपका बन चुका है, कौन से सवाल आप चुटकियों में मिनट में मतलब सेकेंड्स में आप सॉल्व कर पाते हैं और कौन से सवाल आपके पसीने छुड़ाते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा मॉक के ऊपर काम करिए, जितना मॉक दे सकते हैं आप सेक्शनल मॉक दो, आप फुल लेंथ मॉक दो और एनालाइज करो कि आपका प्रिपरेशन लेवल जो है वो यहाँ पर क्या है। ठीक है, अब टारगेट स्कोर आप सभी को पता है कि अगर आप जितने भी CUET PG LLB करने वाले विद्यार्थी हैं उनका 2 ही टारगेट है, या तो वो DU जाना चाहते हैं या तो वो BHU जाना चाहते हैं। और आप जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हो, आपका टारगेट क्या है, आप DU जाना चाह रहे हैं, आप BHU में एडमिशन चाह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा नीचे। तो टारगेट स्कोर जो भी BHU या DU रखे हैं, है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम लिस्ट में आ जाए राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के अंदर में, तो ये होगा आपका टारगेट स्कोर जो आपको टारगेट करना है। कि जनरल के लिए 215 से ऊपर आप करें टारगेट, OBC EWS वाले 205 या फिर उससे प्लस आप करें टारगेट, SC 190, ST 180, ये आपका रहेगा कि आपको टॉप कॉलेज DU और BHU में एडमिशन अगर पाना है तो इस नंबर को आप टारगेट जरूर करें। कमेंट में मेंशन करिएगा आप किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं। साथ में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप मुझसे कोई गाइडेंस चाहते हैं, बैचेज में एडमिशन चाहते हैं, फीस में डिस्काउंट चाहते हैं, मेंटरशिप चाहते हैं, तो ये मेरा email ID है, इस email ID पर आप मुझे मेल करिए, ड्रॉप मी अ मेल। एक मेल भेजो जहाँ पर आप अपना नाम, आप अपना फ़ोन नंबर, है ना, और कहाँ से बात कर रहे हैं, किस बैच में एडमिशन चाहिए या किस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, ये सब मेंशन कर कर आप मुझे मेल कर दीजिए। मैं खुद आपको डायरेक्टली कॉल करूँगा और आपसे बात करूँगा और आपके चीज़ों को समझूँगा और जो भी सॉल्यूशन आपके लिए हो सकता है वो बताऊँगा आपको। ठीक है, तो आप मेल ज़रूर करें। बैच को एडमिशन करते वक्त ये कोड होगा जो आपको यूज़ करना है। इस कोड का बेनिफिट क्या है? इस कोड का बेनिफिट है कि आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिलेगा मेरी तरफ से, अगर आप ये कोड यूज़ कर कर एडमिशन लेते हैं। आपको मेंटरशिप मिलेगा और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी होगा हमारे फीस पर वो आपको दिया जाएगा। तो अब बैच हमें जो ज्वाइन करना है, वो बैच कैसे ज्वाइन करना है, तो अड्डा 24/7 पता है आपको एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पर जाकर आप सभी जो हैं वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोर्स करना होता है सेलेक्ट, जिसमें कि UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम पर जाएंगे आप, फिर जाएंगे आप लॉ एंट्रेंस पर और यहाँ पर CUET LLB पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी हमारे बैच हैं उस बैच में आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। या तो आप 3 ईयर महापैक में एडमिशन लीजिए, या फिर आप शौर्य बैच के अंदर एडमिशन लीजिए, या फिर अर्जुन 2.0 जो रिकॉर्डेड बैच है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। किसी में भी एडमिशन लेने के लिए तरीका जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। आपने इस पर क्लिक किया या किसी पर भी क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप सभी जो है यहाँ पर जाएंगे, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कूपन कोड। जैसा कि मैंने आपको बताया है इस वक्त कि कूपन कोड सोनू 80 आपको यूज़ करना है और उसके न्यूमरस बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिखेंगे SONU 80। हमने क्या लिखा? सोनू 80 लिखा हमने और यहाँ पर कर दिया अप्लाई। अब यहाँ पर क्या हो गया कि आपको मेंटरशिप भी इस कोर्स से मिल जाएगा, ठीक है, एक पर्सनल गाइडेंस मिलेगा और फीस में डिस्काउंट यहाँ पर आपको कर दिया जाएगा। तो फीस जो है वो 13,698 रुपये है इस बैच का फीस, लेकिन जैसे ही आप डिस्काउंट करोगे यहाँ पर कूपन कोड लगाओगे तो ये प्राइस जो है वो 30% डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से चाहे शौर्य बैच में हो, चाहे अर्जुन 2.0 बैच के अंदर हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट देने के लिए आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन जो है वो हमने बना दिया है। तो टेस्ट प्राइम को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर टेस्ट प्राइम है, जहाँ पर 50,000 से ज़्यादा मॉक्स आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, 500 प्लस एग्जाम्स के लिए। तो जैसे ही आप करोगे यहाँ पर तो इसको परचेज करने के लिए यहाँ पर 299 रुपये आपको दिख रहे हैं, जो कि पूरे एक साल के लिए हमारे जितने भी एग्जाम्स हैं भारत के अंदर होने वाले सभी एग्जामिनेशन, CUET PG, CUET UG, LLB हो है हमारा, या फिर MSCET है, या फिर JMI है, या फिर बैंक, SSC, रेलवे, UPSC, BPSC, जितनी भी परीक्षा हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए एक्सेस जो है वो एक बार में दिया जा रहा है। यानी कि पूरे साल भर आप जो भी एग्ज़ाम देंगे, भारत में होने वाले कोई भी एग्जामिनेशन है, उसके लिए मॉक टेस्ट आपको दिया जा रहा है। तो सिर्फ यहाँ पर 299 नहीं, बल्कि जब यहाँ पर सोनू 80 कोड आप यूज़ करोगे तो ये और कम प्राइस पर आपको अवेलेबल कराया जाता है। अप्लाई कर दीजिएगा 279 यानी कि 280 रुपये में आपको पूरे एक साल के लिए सारे के सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए गए हैं, जहां से आप बहुत अच्छी तैयारी, जहां से बहुत अच्छा प्रैक्टिस मॉक जो है वो आप दे सकते हैं। तो सभी जाइए फटाफट इनरोलमेंट कर लीजिए, और इसमें इनरोल करने के लिए या फिर बैच में इनरोल करने के लिए इस ईमेल आईडी पर मुझसे बात करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेल ड्रॉप करिए, अपना नाम, अपना नंबर और अपने क्वेरीज, डाउट्स को उसमें लिखकर भेज दीजिए। कूपन कोड सोनू80 रहने वाला है, ठीक है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी में लगे रहिए, है ना। एग्जामिनेशन के बहुत कम समय रह गए हैं, हमें इसी 4 महीने में अपने आप को बेहतरीन बनाना है। थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करना कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है, आपका कॉलेज कौन सा, आप कॉलेज टारगेट कर रहे हो या कहाँ पर क्या दिक्कतें महसूस कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।